भावना से रोका नहीं जाएगा बल्कि पूरा कराया जाएगा। इसके अलावा प्रदेश में सरकार बनने पर पहले नए हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज एवं शिक्षण संस्थान आदि नहीं बनाए जाएंगे बल्कि पहले से जो बने हैं, जिनकी काफी दयनीय हालत हमें कोरोना काल में देखने के लिए मिली है, तो उन्हें पहले सुधारा जाएगा। इसी प्रकार प्रदेश में सड़कें व पुल आदि भी नए बनाने से पहले यहाँ पुरानी सड़कों व पुलों आदि को ही ठीक किया जाएगा ताकि कोई जनहानि ना हो सके। साथ ही प्रदेश के विकास व जनहित में केंद्र एवं स्टेट की अभी तक जो भी सही योजनाएं चल रही हैं, तो उन्हें विरोधी पार्टियों की तरह बदले की भावना से रोका नहीं जाएगा। इसके साथ ही सपा व भाजपा सरकार की तरह दूसरी सरकारों के किए गए कार्यों के नाम बदलकर ये भी नाटक नहीं किया जाएगा। कहने का तात्पर्य ये है कि प्रदेश में सपा व भाजपा सरकार के सभी कार्यों की ईमानदारी से समीक्षा की जाएगी। जो कार्य सही व जनहित में है तो उन्हें जरूर आगे बढ़ाया जाएगा, अर्थात रोका नहीं जाएगा। इसके अलावा मेरी सरकार में वर्तमान भाजपा सरकार की तरह कानून व्यवस्था का सुधार केवल कागजों व मीडिया आदि में नहीं बल्कि जमीन पर ही लोगों को हकीकत में होता हुआ नजर आएगा। खासकर सपा सरकार में जो गुंडे, बदमाश व माफिया आदि खुलेआम जनता का शोषण व उत्पीड़न आदि करते हैं, तो वे मेरी सरकार में आपको जेल के बाहर नहीं बल्कि जेल की सलाखों के अंदर ही नजर आएंगे, जहां उनकी असली जगह होनी चाहिए। इस प्रकार से प्रदेश में सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय के लिए यहां हर स्तर पर प्रदेश की पूरी तस्वीर बदल दी जाएगी। इतना ही नहीं बल्कि आज मैंने प्रदेश व आम जनहित में जो कुछ भी